हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ गवर्नमेंट जॉब चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मांसगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट जो है वो आउट हो चुके हैं। गाइस, तो अगर आप इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है वो कुछ इस तरीके से है कि जो एप्लीकेशन इन्वाइट किए गए हैं वो इंडियन नेशनल्स यानी कि इंडियन सिटीजन्स जितने भी हैं वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये अलग अलग ट्रेड्स में होने वाले हैं, इसीलिए आप देख सकते हैं कि क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट जो है वो हर एक जो ट्रेड है उसके हिसाब से चेंज होता है। तो जो मतलब कॉमन है वो यही है कि आपने कम से कम एसएससी यानी कि 10th पास किया हुआ होना चाहिए ये हर एक ट्रेड में। और उसी के साथ जो भी मतलब जिस ट्रेड के लिए आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं यानी कि एसी रेफरेंस मैकेनिक के लिए अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आपने कम से कम नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट का जो एग्ज़ाम होता है वो पास किया हुआ होना चाहिए इस ट्रेड में, तो आप फॉर्म इस ट्रेड के लिए फिलअप कर सकते हैं। इसी के हिसाब से कॉम्प्रेंसर अटेंडेंट के लिए भी आपने एसएससी कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए और उसी के साथ आपका जो मतलब नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए और उसी के साथ आपको मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए कॉम्प्रेंसर अटेंडेंट का काम करने का, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं इस ट्रेड के लिए। उसके बाद कारपेंटर के लिए गाइज, आपका सिर्फ मतलब 8th स्टैंडर्ड भी कंप्लीट है, आपने 8th स्टैंडर्ड ही कंप्लीट किया है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट का जो एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट होता है वो इस ट्रेड में होना चाहिए। उसके बाद चिपर ग्राइंडर, कंपोजिट वेल्डर्स, डीजल ऑपरेटर्स और डीजल कम मोटर मैकेनिक, इन सभी ट्रेड्स के लिए आपका एसएससी कंप्लीट होना चाहिए और आपने नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट के जो एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास इस ट्रेड में होना चाहिए। तो अगर आपके पास है तो आप इन ट्रेड्स में फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल होंगे। उसी के साथ गाइस, जूनियर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, जूनियर ड्राफ्ट्समैन सिविल, इलेक्ट्रिशियन, ये जो पोस्ट है इसमें आपने भी एसएससी कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए यानी 10th कंप्लीट होना चाहिए और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन इस ट्रेड में आपने कंप्लीट की हुई होनी चाहिए, आपके पास उसका सर्टिफिकेट इस ट्रेड में होना चाहिए, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं इन सभी ट्रेड्स के लिए। उसके साथ गाइज, इलेक्ट्रॉनिक फिटर, जूनियर क्यूसी इंस्पेक्टर यानी कि मैकेनिकल, गैस कटर मैकेनिस्ट, मिल राइट मैकेनिक, पेंटर, तो इन सभी ट्रेड्स के लिए आपने एसएससी यानी कि 10th कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए और उसी के साथ गवर्नमेंट का जो नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट का एग्जामिनेशन होता है वो उस ट्रेड में कंप्लीट किया है आपने, आपके पास उसका अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं इन पोस्ट के लिए। तो गाइज, नेक्स्ट जो है वो पेंटर की पोस्ट। तो पेंटर की पोस्ट के लिए अगर आपने 8th भी कंप्लीट किया है, 8th स्टैंडर्ड तक आपने पढ़ाई की है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए इस ट्रेड में। उसके बाद गाइज, पाइप फिटर, रिगर की पोस्ट के लिए भी गाइज आपने 8th पास किया हुआ होना चाहिए नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन का ट्रेड में। इस ट्रेड में आपने अगर कंप्लीट किया है तो आप रिगर की पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पाइप फिटर, स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर, स्टोर कीपर, यूटिलिटी हैंड स्किल, तो इन सभी पोस्ट के लिए गाइज आपने 10th पास किया हुआ होना चाहिए और उसके साथ ही आपने नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए इन सभी ट्रेड्स में, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो गाइज, ये जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है प्लानर एस्टिमेटर मैकेनिकल एंड प्लानर एस्टिमेटर इलेक्ट्रिकल। तो इन पोस्ट के लिए गाइज आपने अगर 10th पास किया है या फिर आपने 12th पास किया है या फिर डिग्री है आपके पास मैकेनिकल की मतलब ट्रेड की या फिर शिप बिल्डिंग और मरीन इंजीनियरिंग का एग्जामिनेशन आपने पास किया है तो भी आप इन दो पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद गाइज, पैरामेडिक्स एंड यूटिलिटी हैंड जो कि सेमी स्किल्ड के पोस्ट है, तो इनके लिए आपका मतलब पैरामेडिक्स के लिए आपने डिप्लोमा पास किया हुआ होना चाहिए नर्सिंग का 3 इयर्स का ड्यूरेशन का 12th स्टैंडर्ड के बाद। और गाइज, पैरामेडिक्स में जो है वो प्रेफरेंस मिलने वाला है अब जिन कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस है वर्किंग करने का किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, मिनिमम 100 बेड्स जिस हॉस्पिटल में होते हैं वहाँ पर अगर आपने मतलब पहले काम किया है, एक्सपीरियंस है आपको, उन कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस मिल जाएगा। उसके बाद यूटिलिटी हैंड जो है इसमें सेमी स्किल्ड का पोस्ट होता है ये, तो इसमें भी गाइज आपने
सिर्फ और सिर्फ 10th पास किया हुआ होना चाहिए। उसी के साथ आपके पास अगर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो भी चलेगा। और अगर गाइज आपके पास 1 ईयर का MDL में मतलब काम करने का, यानी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में, किसी भी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में अगर आपने काम किया है उसका आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो भी आप इस मतलब पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज ये जो पोस्ट है इसकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर एक कैटेगरी वाइज, यानी कि SC ST OBC EWS UR ऐसी अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको जो वैकेंसीज है वो हर एक स्किल ID और सेमी स्किल ID में मिल जाएगी, यानी कि दोनों ही ग्रेड्स में आपको अलग अलग वैकेंसीज मिल जाएगी। तो कंप्लीट वैकेंसीज का जो टोटल है वो है 1388 वैकेंसीज होने वाली है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है या फिर एलिजिबल है किसी भी एक ट्रेड में काम करने के लिए तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद गाइज जो एज लिमिट होता है वो एज लिमिट जो होने वाला है वो आप देख सकते हैं कि जो एज लिमिट होता है गाइज वो मैक्सिमम एज लिमिट है 38 ईयर्स का, यानी कि 38 ईयर्स तक जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और लेकिन मिनिमम एज जो बताया है वो 18 ईयर्स से कम नहीं होना चाहिए 1 जून 2021 तक, यानी कि 1 जून 2021 तक अगर आप 18 ईयर्स प्लस है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन 38 ईयर्स के ऊपर वाले फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। लेकिन रिलैक्सेशन मिल जाता है SC ST कैटेगरी वाले जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उन सभी को, और एक्स सर्विसमैन एक्स एम्प्लॉयज़ को भी जो रिलैक्सेशन होता है वो मिल जाता है। उसके बाद गाइज जो आप फॉर्म फिलअप करने वाले हैं वो स्किल ग्रेड 1 और स्किल सेमी स्किल ग्रेड 2 के लिए होने वाला है। तो इसका पेमेंट स्केल जो है गाइज वो स्किल ग्रेड 1 की पोस्ट के लिए आपको 17,000 रुपीज़ से स्टार्ट होगा पेमेंट स्केल, वो बढ़ते बढ़ते 64,360 रुपीज़ तक हो सकता है। सेमी स्किल ग्रेड 1 की पोस्ट के लिए गाइज पेमेंट स्केल स्टार्टिंग जो होता है वो 13,000 रुपीज़ से होता है और 49,910 रुपीज़ तक आपका पेमेंट स्केल बढ़ सकता है। तो गाइज ये कंप्लीट जानकारी है, अगर आपको मतलब आप एलिजिबल हैं या फिर इंटरेस्टेड है फॉर्म फिलअप करने के लिए तो आप मतलब 11 जून से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और क्लोज होने वाला है 4th of July 2021 तक। तो गाइज अगर आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में अगर कंप्लीट जानकारी चाहिए तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ये कंप्लीट जानकारी पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहीं पर आपको नोटिफिकेशन का भी लिंक मिल जाएगा और नोटिफिकेशन भी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और यहीं से आप अप्लाई भी कर सकते हैं, अप्लाई का लिंक भी आपको मिल जाएगा और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और गाइज अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही न्यू अपडेटेड कंटेंट्स के लिए जो कि हम आपके लिए हर रोज़ लाते रहते हैं। Thank you all.